का दिन खास है, क्या है थोड़ा सा इसके बारे में, अगर इस कार्यक्रम का खास कार्यक्रम आज का कार्यक्रम है जया स्मृति, जो हमारी मम्मी जी हैं जया चक्रवर्ती जी, उनके नाम पे ये कार्यक्रम हम करते हैं हर साल। तो ये कार्यक्रम इसलिए होता है कि यंग टैलेंट्स जो है, जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, जो आजकल आधुनिक ज़माना हो गया है, सबकी सोच भी बदल रही है और तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पीछे रह जाता है हमारी सभ्यता और संस्कृति, उसको कायम रखने की ये कोशिश है। हमारी माता जी जो थी वो हमेशा यंग टैलेंट्स को बहुत ही बढ़ा के लेकर आती थी, वो शी यूज़ टू एनकरेज ऑल द यंगस्टर्स। सो दिस जय स्मृति इज मेंट फॉर प्रमोटिंग द यंग टैलेंट्स, इसके लिए एक कार्यक्रम है। इसमें हमारे तीन आर्टिस्ट आज परफॉर्म करेंगे, जो केलुचरण महापात्र जी जो हैं उनकी ग्रैंड डॉटर आज करेगी डांस, ओडिसी नृत्य करेगी, एंड देन भरतनाट्यम में भरतनाट्यम एक आर्टिस्ट कर रही हैं, और किशोर यमनकर जी हैं उनकी ग्रैंड डॉटर जो है वो भी सिंगिंग गाना हिंदुस्तानी संगीत। आप क्या परफॉर्म कर रही हैं? मेरा कार्यक्रम नहीं, मैं ये सिर्फ ऑर्गेनाइज किया है इसे, दिस विल बी शोन ऑफ फॉर द पीपल, और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम हर साल अलग अलग सिटीज में भी मैं आगे से करना शुरू करूँ। दो साल बीच में नहीं कर पाई थी किसी कारण से, तो कुछ वो इसलिए कि हम जो सांसद बन गए अच्छा, और चुनाव में बिजी हो गए तो उसमें उलझ गए थे, तो एक दो साल ऐसा निकल गया था, बट नाउ आई विल कंटिन्यू टू हैव इट। और मेरी इच्छा ये भी है कि बहुत जल्द मुझे यहाँ पर, मैं पिछले 15 साल से मांग रही हूँ यहाँ पर कोई जगह मिल जाए मुझे, एक एकेडमी हो जाए मेरा, जहाँ पे ये जो नृत्य गान जो मैं सोच रही हूँ हमारी संस्कृति को कायम रखने के लिए, एक अच्छा सा एकेडमी हो जहाँ पे एक सब किस्म का क्लासिकल डांसेस का इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। एक और सवाल, अब तो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, आप खुद बीजेपी की सांसद हैं, महाराष्ट्र में भी सरकार बीजेपी की है, तो कुछ आसानी तो होगी उस जगह को हासिल करने के लिए? ऐसा हम सोचते हैं और आप भी वही सोचते हैं, जैसा हम सब सोचते हैं वैसे सच हो जाए वो, और बहुत जल्द हमें जल्दी जगह भी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। Let's not talk now. बात करें अगर यंग टैलेंट की, तो बॉलीवुड में कई सारे नए टैलेंट हमें देखने मिले, आपकी नज़र में कोई स्पेसिफिक? नहीं, मैं बहुत पसंद करती हूँ बॉलीवुड नृत्य, जो है बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, और बहुत सारी बच्चे जो है वो भी नृत्य करना चाहते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत फास्ट पिकअप करने का लायक है, लेकिन इसके बीच में कहीं हमारी जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है ये कहीं खो न जाए, ये इसी की वजह से ये कार्यक्रम रखा जाता है। सुमित ये निकालना, सुमित कौन है सर? यो हेमा जी, हाँ विनोद राय। आपको क्या लगता है कि सचमुच हम बहुत जो हमारी संस्कृति अभी बनी हुई है आगे चल रही है? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आजकल सब लोग जुम्बा सालसा ये सब सीख रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट माय मॉम इज स्टिल प्रमोटिंग आवर इंडियन क्लासिकल डांस, एंड देयर आर कपल ऑफ एक्ट्रेसेस हु आर वेरी गुड एट इट। टुडेज डे आई वुड से आई लाइक दीपिका अ लॉट। एनी क्वेश्चन? नो, this year I don't know why I'm not performing. There are a lot of more new people we need to promote. Now, if I keep performing every year, who else will dance then?
थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. एक मिनट अच्छा एक मिनट देखो जी जी एक सेकंड ले लो ले लो माइक इज गुड. एकनाथ खड़से जी, सुनील राणे जी, द आर्ट लवर्स ऑफ मुंबई, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर जया स्मृति टुडे. जया स्मृति इज हेल्ड इन द नेम ऑफ माय डियर मदर Srimati Jaya Chakravarthy. She was an art lover and inspired so many youngsters in her time and told me also to follow up. So that is the reason after she passed away, in her memory, we keep celebrating this program, Jaya Smriti, every year to promote the young, talented children, give them a platform to perform. In our country, we have thousands of children who are so highly talented but doesn't have a proper platform to perform. So we thought through Jaya Smriti, we'll be able to do this. The time is changing. Samay badal raha hai. Sab aadhunik ho raha hai. Aur aise ek samay mein, tez raftar ki zindagi mein, jab sab kuch badal raha hai, तो हमारी संस्कृति सभ्यता भी कहीं पे ऐसा लगता है कहीं पीछे न रह जाए, वो भी बदल न जाए. इसी वजह से ये कार्यक्रम रखने का एक मकसद भी है. आजकल के बच्चे भी बहुत तेज़ी से सोचते हैं और उनकी ज़रूरतें भी बहुत तेज़ी से हैं. सब कुछ फास्ट चाहिए, जल्दी चाहिए. और आजकल के ज़माने वेस्टर्न कल्चर इतना बढ़ चुका है और बॉलीवुड के नृत्य बहुत ही पॉपुलर हो रहा है. और बॉलीवुड नृत्य करना भी कुछ आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट इट इज़. लेकिन उसे कितनी आसानी से बच्चे लोग सीखकर परफॉर्म करते हैं, उसमें ज़्यादा रुचि है. इसी वजह से हमारी एक ये प्रयत्न है कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी जो प्राचीन कला है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, इन सब नृत्य को बढ़ावा देने के लिए बच्चे लोग आकर देखें इस कार्यक्रम को, क्योंकि छोटे छोटे यंगस्टर्स आर गोइंग टू परफॉर्म इन माय शो. दे आर हार्डली 16-17 इस ढंग के बच्चे हैं जो इस कला को इतनी अच्छी तरह से सीखकर परफॉर्म करते हैं. तो देखकर इतनी खुशी होती है कि आजकल इस कला में इतने रुचि रखते हैं. मैंने कई बच्चों से ये सवाल किया कि आप क्लासिकल नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है? तो कहते हैं हाँ बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हमें बॉलीवुड में भी बहुत इंटरेस्ट है. वो क्यों नहीं, वो उस पर इतना, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू सी, वॉच एंड परफॉर्म. सो द यंगस्टर्स आर सो मच इंस्पायर्ड टू लर्न दैट. सो मेरा एक कोशिश है कि हमारे मुंबई में एक अच्छी से एक जगह मिल जाए जहाँ पर नाट्य विहार कला केंद्र, जो है हमारी बहुत सालों से चल रहा है, उसका एक एकेडमी हो जहाँ पर हर किस्म का नृत्य सिखाया जाए. ये बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में होने का कुछ ऐसा दिखता है मुझे. तो एक नाथ जी सामने बैठे हैं, सुनील जी हैं, तो एक शायद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी. और जया स्मृति जो है, इसमें न सिर्फ हम यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, इसके अलावा हम हमारे जो बहुत बड़े वेटरन्स हैं उनको भी ऑनर करते हैं. जैसे हमने जया स्मृति में कनक रेली जी, जो बहुत बड़ी एक नृत्यांगना है मोहिनी आट्टम की, उनको फेलिसिटेट किया. उसके बाद हमारे नाट्य विहार कला केंद्र के स्तंभ कहेंगे,
जो अभी इस वक्त नहीं है हमारे साथ, श्री रविंद्र जैन जी, उनको ऑनर किया। फिर हमारे नाट्य विहार कला केंद्र के बहुत ही बड़े मशहूर कोरियोग्राफर भूषण लखंदरी को ऑनर किया। और इस बार मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम दीपक मजूमदार जी जो हमारे पास हैं, जिन्होंने मुझे भरतनाट्यम को कंटिन्यू करने के लिए बम्बई में आने के बाद, क्योंकि मेरे सब गुरुजी सब मद्रास में रह गए, कोई बम्बई आए नहीं, और मेरा कैरियर यहाँ पे हो गया, तो मुझे यहाँ पर काम था और मैं भरतनाट्यम से थोड़ी सी अलग हो गई थी। तो दीपक जी थे, तो इन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया इसको सीखने के लिए। मेरे बचपन में, बचपन तो नहीं कहूँगी, मैं जब मुंबई में आ गई थी फिल्म स्टार बनने के लिए, उस वक्त भी मैं नृत्य कला से हमेशा जुड़ी रही। मैं मेरी माँ को ये सारे श्रेय दूंगी, क्योंकि उन्होंने, मैं जितना भी बॉलीवुड नृत्य करूँ, रोज़ शूटिंग होती थी, शूटिंग में मैं अलग अलग किस्म का डांस बॉलीवुड का करती रही मैं, जो आप लोग देख चुके हैं बहुत सारे फिल्मों में। लेकिन उसके पीछे हर साल में, हर हफ्ते मेरी माँ कोशिश करती थी कि एक भरतनाट्यम का कार्यक्रम मेरा हो। तो मुंबई में शनोगंदा हॉल में मैं 2 बजे तक शूटिंग करती थी, और 2 बजे के बाद 6 बजे का शो होता था शनोगंदा में। मुझे 3 घंटे का हार्ड कोर भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस करना पड़ता था, नहीं मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ती थी। सो आई विश एवरी वन हैज़ ए मदर लाइक माई मदर, यू नो शी वॉज वेरी यूनिक एंड शी रियली फोर्स्ड मी एंड मेड मी dance, and she never allowed me to deviate from this. So this kind of a mother is required, because children are very talented, but it is very important for the parents, especially the mothers, to know the talent and tap and understand the children, usko kis kala mein interest hai, usko badhawa dekar, usko aage lekar aane ka jo koshish hai, wo maaon ke kaam hai. So mujhe bahut hi khushi ho rahi hai ki aaj aap sab log aaye hain और जय स्मृति शुरू होने वाला है। सो आई वुड लाइक ऑनरेबल मिनिस्टर टू कम ऑन द स्टेज टू लाइट अप द लैम्प एंड टू स्टार्ट द प्रोग्राम, एंड आई विल आस्क माय डॉटर एशा दियोल आल्सो टू कम हियर ऑन द स्टेज। Don't stand too close, and come back. We come again. I would request Hema ji to present a bouquet to our honorable minister. Yes, absolutely. And I request our honorable minister to share a few words with us. Where's the mic? She has mesmerized us with her performances on screen and on stage, and she's right here with us. So let's have Isha Deol Takhtani to share a few words. Thank you. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here. It's an honor to be here, because
I give complete credit to my mother and my aunt, Prabha, who have taken forward this for the past 10 years. This is Jaya Smriti. It's a tribute under the name of my grandmother, who we all have loved very much. And she's someone who's always encouraged talent, whether it was Sridevi ji or Padmini Kolhapuri. My grandmother was the one who took them forward in the industry and always encouraged my mother to continue dancing. That's why my sister and me were taken forward in that field of dance. And I have so many respectable gurus of mine here today, whether it's Bhushan ji, whether it's Deepak ji, whether it's my one and only guru who could handle Anna and me, Guru Ravindra Attibhuti ji or Sharda ji. Sorry if I'm missing out on anyone's name, but we also were, my mother has always believed in tradition, parampara. That's why we perform parampara. And Anna and me were made to be trained in dance, whether it was Bharatanatyam, but then eventually we got into Odissi. With all the respective gurus who are here today, they've all trained us, and it's been wonderful. And I have one message for all the girls out here, that dance is something that is going to keep you going in life. I mean, look at my mom. She's still touch wood fit and fine. It's only because of dance. It keeps you mentally positive. Yeah. So, so yeah, I mean, what else do I say? Now I don't know what else to say. But enjoy the show. And I wish all the dancers backstage all the very best. They're all youngsters promoting their talent here. They're going to be performing for the first time on stage. So let's encourage them and have a wonderful show. God bless. Take care. Happy Diwali.